हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिए और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे एक लाइट वाला बोर्ड, जो बोर्ड होता है लाइट वाला। उसके बाद में एक पीवीसी शीट लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मार्क कर रहे हैं, यहाँ भी मार्क करेंगे फ्रेंड्स, और एक और मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमें इसको होल करना है। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, नुकीली किसी भी चीज़ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल मैं आयरन से कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम मेरे पास आयरन है, मैं आयरन से कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप भी आयरन से कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा ये फाइनली होल हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स ये हम होल किए हैं। ये हमारे पास डीसी एलईडी है 4 वाट में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमें इसे यहाँ पे चिपकाना है कुछ इस तरीके से, इसे हम फटाफट चिपका लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में आगे बताते हैं। फाइनली फ्रेंड्स ये हमारा चिपक चुका है फ्रेंड्स, और हम एक होल और करेंगे ताकि वायर हम उस पार निकाल सकें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स हम वायर उस पार निकाल देंगे इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम ख़राब एलईडी का कैप रखे थे पहले से निकाल के फ्रेंड्स, इसको हम फिर भी क्विक की मदद से इसको फिक्स कर देंगे, चिपका देंगे ताकि ये निकले ना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये चिपक चुका है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स उसके बाद में हम एक चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे, जो माइक्रो चार्जिंग सॉकेट है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम ये 3 होल कर लिए थे। इसको भी हम फटाफट चिपका देंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास पुराना चार्जर ख़राब पड़ा था, वहाँ से हम एक एलईडी बल्ब निकाल लेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये ख़राब चार्जर था फ्रेंड्स, आपके घर पे भी मिल सकता है, तमाम ख़राब चार्जर पड़े रहते हैं, उसमें मिकिन हमें एलईडी बल्ब निकालने हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स इस एलईडी बल्ब को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जो बारीक सा होल किए थे, ये कुछ इस तरीके से लगाना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है फ्रेंड्स, इसको भी हम फिक्स कर देंगे फिर भी क्विक से फ्रेंड्स, इसको भी फिक्स कर देंगे हम फटाफट, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप देख के घर पे आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स लगभग हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम एक मोबाइल का बैटरी लिए थे, ख़राब मोबाइल की बैटरी निकाल लिए थे फ्रेंड्स, इसी से इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा वर्क करेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्लू गन हम लगा दिए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि ये निकले ना फ्रेंड्स। वायरिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाइट वाला जो है चार्जिंग सॉकेट वाला, ये प्लस है फ्रेंड्स, इसको हम एलईडी के प्लस वाले पे कनेक्ट कर देंगे, एलईडी के प्लस वाला पे हम कनेक्ट कर दे रहे हैं इसको, और दूसरा वो निगेटिव है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट वाला जो दूसरा है वो नेगेटिव है फ्रेंड्स, उसको हम नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। हमारा प्लस वाला हो चुका है फ्रेंड्स, अभी नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव पे कनेक्ट कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। वायरिंग इसकी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप देख के ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा 3 वाट की एलईडी है फ्रेंड्स, ये माइनस
सिरा है उसका और बैटरी का माइनस वाला सिरा, इसको एक दूसरे को जोड़ देंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम चार्जिंग सॉकेट वाला जो माइनस होता है वहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे ये दोनों वायर को। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स माइनस वाले पे हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा ये बैटरी का एक वायर बचा है, एक एलईडी बल्ब का बचा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। इसको अभी हम छील लेंगे फटाफट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये दो वायर बचे हैं, ये हमारे पास एक डायोड है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाइट वाइट धारी मारा है कैथोड है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये डायोड है। इसको हम काट के थोड़ा छोट कर लिए थे फ्रेंड्स ताकि लगाने में इजी रहे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाला हम बटन के सिरे पे कनेक्ट करेंगे नहीं जोड़ देंगे, आप देख सकते हैं कैथोड वाला। और उसके बाद में बैटरी का हमारा एक सप्लाई बचा था फ्रेंड्स, उसको भी हम स्विच पे आना स्विच पे कनेक्ट कर देंगे यानी जोड़ देंगे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सिरा डायबोर्ड का फ्रेंड्स उसको हम प्लस वाले पे कनेक्ट कर देंगे, काफ़ी यूजफुल डायबोर्ड है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमारी जो 3 वाट की एलईडी लाइट है फ्रेंड्स उसकी एक सप्लाई हम बटन पर दे देंगे फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बटन पे हम कनेक्ट जोड़ देंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत इजी है फ्रेंड्स। इसकी वायरिंग आप देख के आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसको हम अभी फटाफट बांध के आपको चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा वर्क करता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती है। फाइनली फ्रेंड्स ये हमारा चिपक चुका है आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम चार्जिंग टेस्ट करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चार्जिंग सॉकेट में हम चार्जिंग लगा के आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स एलईडी ग्लो कर रही है यानी चार्ज हमारा हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स हम इसको आपको चालू करके दिखाएंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बेटर उजाला है फ्रेंड्स, इतना अच्छा वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको दिन में चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको अंधेरे में चेक करेंगे काफ़ी उजाला देगा फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अभी हम कुछ अंधेरा करके आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा फ्रेंड्स, इसका बैकअप जो है काफ़ी टाइम तक देगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दें।